ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉबेरीज के फवायद के हवाले से। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रॉबेरीज कीटो डाइट में इस्तेमाल होती हैं, जिसका मतलब यह है कि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर बहुत कम है। शुगर के पेशेंट्स के लिए ये आइडियल हैं भी इसीलिए क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट यानी फ्रुक्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है। अक्सर औकात ये होता है कि शुगर पेशेंट का दिल कर रहा होता है वो खाने के फौरन बाद कोई डिज़र्ट का इस्तेमाल करें, खाने के फौरन बाद फ्रूट का इस्तेमाल करें, लेकिन ये नामुमकिन इसलिए कि शुगर पेशेंट्स अगर खाने के साथ फ्रूट का, योगर्ट का या किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी शुगर बढ़ सकती है, क्योंकि पहले ही खाने से कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, ऊपर से फ्रूट से फ्रुक्टोज आ जाएगी तो उनकी शुगर के बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन बेरीज एक ऐसा फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो अगर वो खाने के बाद एज अ डिज़र्ट इस्तेमाल करते हैं तो उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत कम है। सो शुगर पेशेंट्स के लिए ये आइडियल स्नैक भी हैं और डिज़र्ट भी हैं। मील के फौरन बाद भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है या इन बिटवीन मील्स भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान भी स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। शुगर पेशेंट्स के लिए ये इंतहाई मुफीद फ्रूट है, शुगर पेशेंट्स के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसी तरह ये आम आदमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वेट लॉस में हेल्प करता है। एक आम आदमी के लिए इसके अंदर जो फाइबर कंटेंट है वो कोलेस्ट्रॉल से बचाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। स्ट्रॉबेरीज फाइबर में बहुत रिच हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में इनके अंदर फाइबर मौजूद है और इनके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में वाटर कंटेंट है, यानी पानी भी ज़्यादा और फाइबर भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के यानी कब्ज़ के अगेंस्ट हमें हेल्प करती हैं। कोलेस्ट्रॉल के यानी कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत अच्छी हैं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, ब्लड प्रेशर को स्टेबल करने में भी हेल्पफुल साबित होती हैं क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम भी है और फाइबर भी है, दोनों चीज़ें ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। सो आम आदमी के लिए जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आ जाते हैं, हार्ट की बीमारियों से बचाने में फ़ायदेमंद हैं, ब्लड प्रेशर को स्टेबल करने में फ़ायदेमंद हैं, जो इसके अंदर पोटेशियम है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा इन द लॉन्गर रन हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इनके अंदर विटामिन सी की सूरत में मौजूद हैं, दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो विटामिन सी है। विटामिन सी के बारे में हम जानते हैं कि वो कुव्वत मुदाफ़त को बिल्ड करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, इम्यूनो बूस्टर हम इसको कह सकते हैं। सो विटामिन सी की एक अच्छी मिकदार स्ट्रॉबेरीज के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से इनके अंदर एक खटास भी होती है, एक पर्टिकुलर खटास भी विटामिन सी की वजह से होती है। सो बहरहाल ना सिर्फ ये कि ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करेंगे, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी खुदा ना खास्ता अगर किसी को आयरन की कमी है, किसी बच्चे को आयरन की कमी है, किसी खातून को या इवन किसी एडल्ट को आयरन की कमी है, तो वो स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करें, जो इसके अंदर विटामिन सी है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम सिर्फ आयरन का इस्तेमाल करते रहते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, लेकिन हम साथ में विटामिन सी इस्तेमाल नहीं करते। सो बहरहाल आप स्ट्रॉबेरी का स्लश बना के उसके साथ आयरन का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, चाहे आप आयरन डाइट से ले रहे हैं, चाहे आप सप्लीमेंट की फॉर्म में ले रहे हैं। अगर आप स्ट्रॉबेरी स्लश के साथ लेंगे तो आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगी। सो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा है, कुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी में अगर कोई सोजन हुई हुई है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, जैसे पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरीज के केस में हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां जैसे अर्थराइटिस के केस में बॉडी के अंदर सोजन हो जाती है, तो ये हमें उस सोजन से बचाने में स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो हेल्पफुल साबित होती हैं। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी सोजन को कम करने में, सोजन को रिड्यूस करने में, सोजन को मिनिमाइज़ करने में ये हेल्पफुल साबित होता है। वेट लॉस के लिए स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी हैं। वेट लॉस में ये इस तरह से हेल्पफुल हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया इनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत कम है। अब आप इसका स्लश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लश इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने स्ट्रॉबेरीज ली, आर्टिफिशियल स्वीटनर लिया, जैसे कि स्टीविया हो गया या कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ स्ट्रॉबेरीज, पानी और आइस, तीन चीज़ों को आपने ब्लेंड कर लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन और जिंजर ऐड कर सकते हैं ताकि उसका फ्लेवर थोड़ा सा इन्हांस हो जाए। ये स्लश आपने एक जग बना के फ्रिज में रख लेना है। जब आपका दिल करे कि आप कुछ खाएँ या पिए तो आपने ये इसी स्लश को उस जग में से इस्तेमाल करना है। आपकी
भूख और प्यास दोनों चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। गर्मियों में अक्सर हमारा रुझान होता है कि हम मशरूबात का इस्तेमाल करें जो कि वेट गेन करा देते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ का अगर आप स्लश बना के इस्तेमाल करते हैं तो वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपकी भूख को भी काफ़ी हद तक कम करेगा। भूख को इसलिए कम करेगा क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर है, जो इसके अंदर वाटर कॉन्टेंट है, वो हंगर को सप्रेस करने में फ़ायदेमंद साबित होगा। और अक्सर औकात हमें बेसिकली भूख नहीं लग रही होती, हमें आदत होती है कि हमने फ्रिज का चक्कर ज़रूर लगाना है। तो स्ट्रॉबेरी जो है वो स्ट्रॉबेरी का जो स्लश है वो जब आप फ्रिज का चक्कर लगाएंगे, आप स्ट्रॉबेरी का स्लश इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है आप खाएंगे भी कम। सो बहरहाल हार्ट हेल्थ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, हाजमे के लिए, इम्यूनिटी के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, वेट लॉस के लिए स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी हैं। जो इसके अंदर पोटेशियम है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो फॉलेट है वो हामला ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। सो बच्चों को, हामला ख़वातीन को, वैसे भी ख़वातीन एंड इवन अडल्ट्स को, मेल को भी इसका इस्तेमाल जो है बाकायदगी से करना चाहिए। स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न बड़ा लिमिटेड होता है, मतलब बहुत कम अर्से के लिए स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न आता है। सो जितना हो सके इनका इस्तेमाल करें। एक आजकल बड़ी कॉमन मिथ देखी जा रही है कि जी स्ट्रॉबेरी शेक का इस्तेमाल नहीं करना, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप स्ट्रॉबेरी शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है ये टॉपिक कि शायद स्ट्रॉबेरी शेक का इस्तेमाल जो है वो खुदा ना खास्ता डेथ की वजह बन सकता है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। स्ट्रॉबेरी शेक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ इसको इस्तेमाल करते हुए एक एहतियात ज़रूरी है कि आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। अगर आप इसको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे, इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, मतलब गैस्ट्रिक इन्फेक्शन ये फ़ौरन कॉज कर सकती है, पेट ख़राब हो सकता है। ख़राब स्ट्रॉबेरी देख के खानी है, ख़राब स्ट्रॉबेरी नहीं खानी, वही बात कि ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकती है अगर आप इसको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे, इसको अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप साफ़ सुथरी फ्रेश स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बेपनाह फ़वाद हैं। आती भी ये बहुत कम अर्से के लिए, एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत कम अर्से के लिए मार्केट में अवेलेबल होता है। सो जितना हो सके इसका फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया।